हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम। मेरा नाम है जात। तो यार, सबके जज्बे भाई आ गए हैं अब आसमानों पर, और जिस तरह जलंधर जी ने सबको मोटिवेट किया है, अब तो भाई मैं कहता हूँ कि देवताओं और असुरों के दरमियान बहुत भयानक युद्ध होगा। ये भाई दुनिया के लिए पर नाम बड़ा खतरनाक आने वाला है। अब जो नीति में लिखा हुआ वही होगा, लेकिन अब आगे देखते होता है क्या। तो स्टार्ट। हम दिशा भटक गए। मैं दिशा भटक गई। दिशा भटकना ही दिशा को पाना है। शिवलिंग भी है। देखा माता जी की उनकी नजर ही नहीं है। माता जी को खींची जा रहा। भटक तो आप चुकी है माता। देर है तो केवल स्वयं को पुनः प्राप्त करने की। दोबारा करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम कर्पूर तारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे सदा वसंतम मैं तुम्हारे कितने समीप हूँ पार्वती, किंतु ये इतनी सी दूरी भी कितनी बड़ी प्रतीत हो रही है। क्या ये तो है? तुम तक मेरे स्वर तो पहुँच रहे हैं, पर तुम उनमें मुझे नहीं सुन पा रही। तुम्हारे नेत्र मुझसे स्पर्श करते हैं, किंतु तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। और इससे बड़ा कष्ट मेरे लिए क्या होगा? क्या है बहुत बड़े दर्द की बात। पर मुझे विश्वास है कि वो दिन अवश्य आएगा जब मैं और तुम पुनः कैलाश पर लौटेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम कभी पृथक थे ही नहीं। खुशियां भी बहुत जल्दी आती हैं, दुख भी बहुत जल्दी आते हैं।
गुरुजी हम आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें क्या कार्य करना होगा? इधर आ गए हैं। यहाँ भी यही है, इनको बताएंगे। अब कौन सा कार्य देंगे महादेव? अरे भोजन पकाओ कन्या। भोजन खाना वो क्यों? और सबको करवाओ। सब कित स्मरण है, इस कार्य में तुम्हें किसी की सहायता नहीं लेनी। खुद ना ही पकाते समय और ना ही परोसते समय। बना सकती माता जी आदि शक्ति, अब याद नहीं है तो क्या होगा? बना तो हो सकती है। स्वामी इतने सारे ऋषियों के लिए भोजन पकाने का कार्य, वो भी बिना किसी सहायता के? माता जी आदि शक्ति है, बना सकती है, अब याद नहीं है तो क्या हुआ? समय नहीं। इन सब की शुदा को शांत कर। बस यार माता जी की यादें जल्दी आ जाए। अब बहुत टाइम सारे कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जब तक भगवान शिव जी माता जी साथ होते हैं बड़ा मजा आता है। हाँ ये रसोई नो। हाँ ये रसोई है। माता जी बनाएंगी यार, ये तो चावल नजर आ रहे मटके में। अरे नहीं 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 नहीं, ओ भगवान शिव जी, भगवान शिव जी भी आगे हुए हैं। भगवान विष्णु जी देख रहे हैं ना, देख इनसे भी नहीं देखा जा रहा है यार, जहरी बात है। अब देवी पार्वती ने महादेव से कहा था यदि वो गजरा लेकर नहीं आए तो वो अपनी स्मृति त्याग देंगी। जिसे पाने के लिए महादेव को उतनी ही कठिनाई एवं उतना ही श्रम करना पड़ेगा यार, वो तो कर भी रहे हैं जितना देवी पार्वती ने महादेव को पाने के लिए किया था। किंतु उसके पश्चात जो भी कठिनाई एवं जो भी श्रम हो रहा है वो देवी पार्वती के लिए अधिक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये देवी पार्वती की परीक्षा है। यार मैं वही चीज सोच रहा हूँ, ऐसे मतलब वही कर महादेव की नहीं। रानप्री मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। हाँ दोनों देवी पार्वती का श्रम प्रत्यक्ष है, उनकी तपस्या और उनकी कठिनाइयों का उद्देश्य केवल उन्हें पुनः अनुभूति दिलाना है। मतलब हाँ दोबारा से याद आनी। यार मुझे क्यों समझ आ रहा है कि आजकल जैसे हम जिस बंदे की याददाश्त चली जाती है उसको हम पुरानी पुरानी चीजें दिखाते हैं या उस जगह पे घुमाते हैं जहाँ जहाँ वो जा चुका हो, उसकी यादें, हाँ यादें, जिस तरह वह बसता हूँ, जिस तरह भगवान विष्णु जी ने कहा है वही तो, वही वही देखो दादीची जी के अभी गए हैं, वही जिस तरह नए गए हैं उसी तरह इनको हर यादें वो दिला रहे हैं इनको। देखना ये इस चीज को भी फॉलो किया जाता है ना, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, ये तब भी यहीं से ये मतलब इसी तरह सिखाया गया, इसी तरह पता चला है। क्योंकि अगर
भगवान शिव जी, हमें तो बाजार ही नजर आ रहा है कि भगवान शिव जी बहुत दुख में, लेकिन वो दुख में नहीं है, क्योंकि वो एक चीज है लीला, उसके लिए हमारे हम सबको सिखाया गया है कि ये किस तरीके से अगर बंदे की याददाश्त चली जाती है तो वो बंदा इन चीजों से गुजरे और ये पूरा होता है। उन्होंने ये सब नीति में लिख दिया था तो उस वजह से ये सब कुछ हुआ। और जिस तरह बीच में ये चीजें हो रही हैं, ठीक है ना, और हम एक एक चीज है, देख तकलीफ तो सबको हो रही है, सबको हो रही है, वो तो है, लेकिन यार इस दुनिया को भी तो फिर जरा सबक देने हैं ना। जारी बात है। देख वो और... जो चीजें हुई हैं वो आज तक होती आ रही हैं। ये देख हमने पीछे देवों के दिमाग है पूरी सीरीज में देखा है कि काफी ज्यादा ऐसी चीजें हुई जो आज तक इस दुनिया के अंदर होती आ रही है और होती है, वही हो रही है, वही चीजें ही हो रही हैं। क्यों देख रहा था माता जी जब आई थी तो कैसा वो उसी शिवलिंग की तरह खींची जा रही थी, जिस तरह जब सती माता फर्स्ट टाइम, और वो ही लव माता पार्वती जी ने बोला है कि यार हम भटक गए, और वही सती माता भी जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम भटक गए, हम भटक गए। भाई ये चीजें हैं और ये चीजें देखने से आपको मिलती हैं कि आप कुछ देखकर सीखो उस चीज से। लेकिन अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। तो बात